माइंड की हालत खराब है आज, क्या लुक लिया हुआ इसने। मेहंदी दिखाना, वाओ ब्यूटीफुल। लाइट का एंगल मुझे ठीक लग रहा है, तो फंक्शन भी स्टार्ट होने ही वाला है और ऑलमोस्ट यहाँ पे स्टेज वगैरह रेडी हो चुका है, खाना रेडी है और कुछ ही देर में लोग सब डांस परफॉर्मेंसेस देने वाले हैं अपनी अपनी। अभी जस्ट हम लोग कुछ तो उसकी जो फ्रेंड्स आई है वो सब तो अभी प्रिपेयर कर रही है और अभी डांस करने की तैयारी में है, तो सब लोगों को ऐसे ही थोड़ा बहुत मस्ती वस्ती की। और देखिए उन्होंने क्या किया है, वहाँ पर बाराती रुके हैं उस वाली बिल्डिंग में, और यहाँ पर जेंट्स का है और ये सारी लेडीज़ का है। तो लेडीज़ संगीत प्रॉपर यहाँ पे ऐसे ही होता है कि सिर्फ लेडीज़ ही करती है और जेंट्स को एंट्री नहीं मिलती है। और अभी मेहंदी लग चुकी है दुल्हन के और अब बस डांस होने वाला है, तो देखते हैं एंजॉय करते हैं और साथ साथ में डिनर भी अभी स्टार्ट होने वाला है, तो डिनर करते हैं। मैंने सुना है यहाँ पे मेहंदी का सेटअप है, तो क्यों ना पहले ही जाके थोड़ा बहुत फ़ोटोशूट कर लिया जाए। देखिए ये है मेहंदी का सेटअप, डिज़ाइन लगा, थैंक यू। और ये तो पार्टी की शान थी क्योंकि आंटी ने तो धमाल मचा दिया पूरी शादी के संगीत में, वाह वाह क्या नाची आंटी। इनके भाई खाना खाते हुए, ये दुल्हन के भाई बिना बात की टेंशन में रहते। देखो कितनी प्रिटी ब्राइड है, वेरी प्रिटी। लाइट की तरफ आना थोड़ा, ब्यूटीफुल लहंगा, मीनाक्षी ब्राइड टू बी, टुमारो इज द डे, दी डे, वेरी प्रिटी। और यहाँ पे चल रहा था दुल्हन का फोटो शूट जो कि पूरे 3 घंटे चला, और दुल्हन की यहाँ पे कोमल खाना खा रही है। और यहाँ पे हम लोगों ने खाना खा लिया, फिलहाल सिर्फ बच्चे हिम्मत दिखा के डांस कर रहे हैं और सब लोगों को बैठे हुए माहौल बने ताकि
वेलकम बैक टू माय चैनल, आप लोगों का स्वागत है। देखिए, हम लोग शादी में तो नहीं जा पाए, लेकिन हम लोग संगीत में गए थे और मेरा चेहरा उतरा उतरा इसलिए है क्योंकि रीज़न इसका आप लोगों को पता चल गया होगा, और नहीं चला तो मैं बता दूँ। ऑलिव जो हमारे दो डॉग्स थे, जिसमें से एक डॉग अब हमारे बीच में नहीं है, और ऐसा ये बहुत ही बहुत दुख की बात है, मुझे आप लोगों को बताना पड़ रहा है, लेकिन क्या करूँ। इस और हमें इस बात का बहुत दुख है कि जब हम डांस नाइट में गए थे तो पीछे से ओलिव को अटैक आया या फिर क्या हुआ वो मुझे नहीं पता, लेकिन ओलिव ख़त्म हो गई थी इस दौरान। इंसान की ज़िंदगी का कुछ पता नहीं है, आज है कल नहीं है। जैसे कि मैंने खुद देखा अपनी नज़रों आँखों से कि ओलिव हमारे बीच थी और एक दिन में ही वो नहीं है। अब हमारे बीच में सिर्फ छोटू रह गया है, तो इंसान का पता नहीं चलता कि एकदम से उसको क्या हो जाता है। और हम छोटी छोटी चीज़ों के लिए लड़ते रहते हैं, ये सब बोलते रहते हैं, और हमें पता ही नहीं चलता कि ज़िंदगी तो बहुत क्षणिक है। तो आज है कल पता भी नहीं है आपको कि आप कब किसकी किसकी स्टोरी ख़त्म हो जाए। तो मेरा तो बस यही कहना है, प्यार से रहें, मिलजुल के रहें। जैसे कि हाईवे पे गाड़ियाँ चलती है, उसी तरीके से हम सब अपनी ज़िंदगी लेके गाड़ियों में सवार होके किसी मकसद के साथ में ये ज़िंदगी जी रहे हैं, लेकिन कब किसकी डोर ख़त्म हो जाए या फिर कब किसका एग्ज़िट गेट आ जाए किसी को नहीं पता। तो खुश रहें, प्यार करें और प्यार बांटें। बाय टाटा, टेक केयर। कल मिलती हूँ आपको एक नए ब्लॉग में, नई चीज़ों के साथ में। तब तक के लिए मुझे इजाज़त दें और मेरे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। बाय, चलो मैं जाती हूँ।